हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल इज इंटरनेट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाले बटन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि आप मेरी हर नई वीडियो को जल्द से जल्द देख सकें। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों की बहुत सारी जो मुश्किलात हैं उसको आसान कर दूंगा। जैसे कि अक्सर लोग होते हैं जिनको मूवीज़ देखने का काफ़ी शौक़ होता है लेकिन इंटरनेट कनेक्शन जो है वो स्लो होता है, जिस तरह मैं ही हूँ। मेरा इंटरनेट कनेक्शन 4 MBPS है, इतना ज़्यादा नहीं है, पाकिस्तान के हिसाब से भी इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस पर गुजारा हो जाता है। कुछ लोग हैं जिनका 2 होता है और इंटर डाउनलोड स्पीड जो है वो 300 KB 400 KB तक ही आती है और अपलोड स्पीड तो बहुत ही कम होती है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसा तरीका बताऊँगा कि आप लोगों को मूवीज़ डाउनलोड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आप लोग बफ़र किए बगैर ही मूवी, बफ़र भी नहीं होगी, 90% बफरिंग आपकी कम हो जाएगी मूवी की और आप लोग मूवीज़ देख सकेंगे। आप लोगों को होपफुली समझ आ गया होगा टॉपिक, अगर नहीं भी आया तो मैं आगे अब करता हूँ तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो इसके लिए आपको 2-4 चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। पहला जो आपने काम करना है अपने ब्राउज़र में जाके, वो ये करना है कि आपने एक टॉरेंट फाइल डाउनलोड करनी है, जिस तरह आप नॉर्मल एक टॉरेंट फाइल डाउनलोड करते हैं। मैग्नेट लिंक नहीं आपने करना है, आपने उसकी टॉरेंट फाइल डाउनलोड करनी है। और साथ में एक कंडीशन है, एक कंडीशन ये है कि उसकी जो एक्सटेंशन है ना, मतलब जिस फॉर्मेट में वो मूवी हो वो उसकी फॉर्मेट होना चाहिए MP4। आप लोग MKV में नहीं कर सकते उसको डाउनलोड, अगर MKV में करेंगे ना तो आपकी मूवी ऑनलाइन नहीं चलेगी। दो तरीके हैं इसको करने के, एक तरीका जो आसान तरीका है ज़्यादा उसमें आपको MP4 में चाहिए, और जो दूसरा तरीका है उसमें आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हैं, MKV या MP4। पहला तरीका मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, दूसरा मैं आपको ज़ुबानी बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने वो आपको बताया तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। तो होपफुली पहला तरीका ही आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, दूसरा तरीका आपको काम ज़रूरत पड़ेगी यूज़ करने की। अब आपको लोगों का अगला जो सवाल होगा दिमाग में वो ये है कि .MP4 वाली एक्सटेंशन हमें किस साइट से मिलेगी जिसमें टोरेंट्स हो। जिस तरह मैं हमेशा से यूज़ करता हूँ हर वीडियो में, YFI मैं यूज़ करता हूँ। YFI की जो मूवीज़ होती हैं उसके अंदर जो एक्सटेंशन होती है, जिस फॉर्मेट में वो इनकोड हुई होती हैं, उसका फॉर्मेट होता है MP4। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ अभी, ये थोड़े से एड्स थे, इसके ऊपर अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पर शायद कहीं लिखा हुआ भी होगा। लिखा हुआ तो नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन ये होती है MP4 में ही, ये मैं आप लोगों को गारंटी बता रहा हूँ इसकी। आप लोग अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जिस भी आप लोगों ने क्वालिटी में करना है, जिस तरह मैं 720 में सेव कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके सेव लिंक एस, डेस्कटॉप पर ही मैंने सेव कर लिया। अब ये होगी सेफ। अब आप लोगों का अगला काम शुरू है। अब आप लोगों ने क्या करना है, एक साइट है जिसके नाम है FRQ.net। अब इस साइट का एक है कि इसके लिए, इसके अंदर रजिस्टर करने के लिए, लॉगिन करने के लिए आपको कुछ जो है वो रेफरल कोड्स चाहिए, रेफरल कोड्स। वो रेफरल कोड्स आपको कहीं और से नहीं मिलेंगे, इसीलिए मैं आप लोगों को अपने से दूंगा वो रेफरल कोड्स। मैं आप नीचे डिस्क्रिप्शन में वो 5-6 रेफरल कोड्स लिख दूंगा, आप लोग उन्हें कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। या फिर अगर मेरे रेफरल कोड्स आपने थोड़ी वीडियो लेट देखी और एक्सपायर हो गए तो आप लोगों ने करना ये है कि सिंपली फेसबुक से रजिस्टर कर देना है। फेसबुक से अगर आप रजिस्टर करेंगे तो वो लोग आपसे नहीं मांगेंगे वो रेफरल कोड्स, लेकिन अगर आप वैसे रजिस्टर करना चाहेंगे ईमेल के साथ तो वो आपसे ज़रूर मांगेंगे और वो आप लोगों को कहीं और से मिलेंगे नहीं, क्योंकि ज़्यादातर जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं। एक कोड एक ही बंदे के लिए होता है। अब ये देखें मेरा यहाँ पर अकाउंट खुल गया है। अब अकाउंट खुल गया है, अब आप लोगों ने क्या करना है, इस पर सबसे अच्छी जो बात ये है इस साइट की कि आप लोग 250 GB जो है, 250 GB आपके पास एक महीने में जगह हो सकती है। ये आप लोग देख रहे हैं इनवाइट योर फ्रेंड्स, इधर मैं शो कोड्स करूँगा ना तो ये देखें ये कोड्स आ गए। अब ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हैं, ये 7 हैं। अब 7 लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अब वो जिसकी लग कोई वो यूज़ कर लेगा, जो पहले देखेगा, जो पहले यूज़ करेगा वही कर सकता है। अच्छा, अब आप लोगों ने आगे क्या करना है, माई फाइल्स पर जाना है। माई फाइल्स पर जाने के बाद आप लोगों ने न्यू में जाना है। ये देखें ये मूवीज़ मैंने देखी हुई हैं,
इसके ऊपर। अब आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, URL टोरेंट फाइल इन्फो मैग्नेट लिंक, आप लोग यहाँ पर मैग्नेट लिंक भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये है कि आप लोग अब उसे डाउनलोड किया हुआ है तो चूज़ फाइल पर क्लिक करें। उसके बाद ये आ गई मेरी फाइल, इसको क्लिक कर दिया। अब आप लोगों ने ओपन करना है इसको। ओपन करने के बाद आप लोगों ने इधर ऐड डाउनलोड पर क्लिक करना है। अब एक और बात है, अगर आपकी जो साइट, अगर आपकी जो मूवी है वो MKV में होगी या किसी और फॉर्मेट में होगी तो वो डाउनलोड की खाली ऑप्शन आएगी, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की ऑप्शन नहीं आएगी। अभी ये थोड़ी देर लोड हो रहा है, 5-1 मिनट में शायद जल्दी ही हो जाएगा, तो आप लोग देखेंगे मूवी स्टार्ट हो जाएगी चलना। ये देखें फौरन मूवी स्टार्ट हो गई चलना, इवन स्लो इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर भी मूवी चलना शुरू होगी, और ब्लू रे में। ये देखें अब मैं थोड़ा सा अगर इसे आगे करूं तो देखते हैं कितनी देर लगती है लोड होने में। आप लोगों ने अगर पूरी मूवी देखनी है तो आपको आगे करने की जरूरत भी नहीं है। ये देखिए यहाँ पर शुरू हो गई, थोड़ा सा और आगे करके देख लेते हैं। ये देखें यहाँ पर, ये आप लोगों को मूवी बिल्कुल समझ आ रही हो कि अगर हम फुल स्क्रीन में इसको डाल दें तो बिल्कुल HD स्क्रीन है, इसमें कोई वो नहीं है कि क्वालिटी कम होगी हो। तो इससे आप लोग महीने में बहुत सारी मूवियाँ देख सकते हैं। 250 GB इनाफ होता है एक महीने के लिए, आप लोगों ने जितनी भी मूवियाँ देखनी है। आप लोग ज़्यादा भारी टोरेंट फाइल्स ना डाउनलोड करें ना, आप लोग इसी साइट से करें जो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ, इसके अंदर बहुत छोटा साइज़ होता है। अभी आप देखें इसका कितना साइज़ है, 747 MB। अगर आप किक एस से या RARBG या MKVKL से, शैनिंग से, इससे डाउनलोड करेंगे तो आपको एटलीस्ट 1 GB में मिलेगी। तो 250-250 GB जब आपको कम मिल रहा है तो आप इसी साइट को यूज़ करें, और रिलायबल होता है इस साइट के टोरेंट्स भी। तो ये आज की वीडियो में था कि आप लोगों ने ये कैसे करना है। अब मैंने आपको एक दफ़ा पहले बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, 2-3 कंडीशंस, वो ये हैं कि पहली बात आपके पास रेफरल कोड्स होने चाहिए जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन अगर वो एक्सपायर हो गई होए तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली फेसबुक से रजिस्टर करना है, तो वो आपसे नहीं मांगेगा रेफरल कोड्स। उसके बाद सेकंड बात क्या है कि आपकी मूवी का जो फॉर्मेट है वो MP4 होना चाहिए, और कोई फॉर्मेट नहीं होना चाहिए अगर आपने ऑनलाइन इस तरह चलानी है। उसके अलावा मैं एक बात करता था दूसरे तरीके की, वो दूसरा तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों ने एक प्लेयर है एस प्लेयर, उसको डाउनलोड करना है। ये आप लोगों के VLC प्लेयर की तरह ही है, उसी की एक्सटेंशन आप समझ लें है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। अब मैंने कहा था कि मैं ज़्यादा पूरा नहीं बताऊंगा, लेकिन अब मैंने शुरू किया है तो मैं थोड़ा बहुत बता ही देता हूं। अब यहां से आप लोग डाउनलोड कर लें अपनी मर्जी से, जो भी फॉर्मेट आपने, जो भी इसका नया लेटेस्ट वर्जन करना है या जो भी करना है कर लें। उसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने एस प्लेयर को खोलना है। यहाँ से मैं विंडोज़ में जा ये सर्च में डाल के अपने एस प्लेयर को खोलता हूँ। ये आ गया एस प्लेयर। अब एस प्लेयर के अंदर भी आपने क्या करना है, उसी वाली फाइल को जो आपने की थी डाउनलोड टॉरेंट फाइल, उसी को ओपन कर देना है। इसका एक फ़ायदा है और एक नुकसान है। फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि इसके अंदर किसी भी फॉर्मेट की मूवी चल जाती सवाय HEVC के, हाईली एफिशिएंसी वीडियो रिकॉर्डिंग, जिसके एंड पे IN2265 लिखा हुआ होता है, उसके अलावा लेकिन बाकी हर मूवी। लेकिन इसमें एक नुकसान ये है कि इसकी बफरिंग काफ़ी होती, बीच में रुक रुक के मूवी आती है। ये बात तो है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है कि मैं अपनी वीडियो में कह दूँ। अब देखिए मूवी काफ़ी जल्दी चल पड़ी है, शायद इस वजह से कि मेरा भी इंटरनेट अच्छा आ रहा है, लेकिन वैसे मूवी इसमें रुकती है। ये देखें अभी रुक गई आपके सामने। अब ये नीचे आपको नज़र आ रहा हो बफरिंग, इधर लिखा हुआ होता है, तो इसमें ये है कि थोड़ी मूवी रुक गया, तो अगर आप थोड़ी देर पॉज करके बैठ जाएं तो फिर आपको फ़ायदा देखने में, वरना अगर आपको इस तरह नहीं है, स्लो नेट है, तो फिर आप उसी साइड पे MP4 फॉर्मेट के साथ ही देखें मूवी। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है, मेरा जहाँ तक ख्याल है बहुत से लोगों के लिए, क्योंकि ये टॉपिक लोग बहुत ज़्यादा ढूंढते हैं कि बफरिंग के बगैर हम कैसे वीडियोज़ देखें, मूवीज़ कैसे देखें। तो ज़्यादातर मूवीज़ में आप लोगों को, ज़्यादातर वीडियोस में आप लोगों को ये तरीका नहीं बताया हुआ होता है। अगर स्ट्रीमिंग का बताया भी होता है तो आपको इसी एस प्लेयर पर या एस प्लेयर पर बताया हुआ होता है, ये जो मैंने फर्क डॉट नेट बताया इस पर नहीं बताया होता है। सो अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में दोबारा पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा। सो होपफुली आज का ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो थैंक्स फॉर